क्या हो रहा है इस देश में, मेरी तो कुछ समझ ना आए। मैं हूं गाय, क्यों कर रहे हो मेरे नाम पर राजनीति? बस इसलिए कि थोड़ा वोट मिल जाए? नहीं चाहिए ऐसी गौरक्षा, चाहे छोड़ दे मुझको बेसहाय। मैं हूं गाय, अब बस करो, छोड़ दो मुझको मेरे हाल पर। मुझसे अब और ना सहा जाए, मेरी तो बस एक ही आशा, सारे मजहब एक हो जाए। मैं हूं गाय। इस वीडियो की शुरुआत में आपने जो देखा वह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो आप भी उस दर्द को महसूस करेंगे जिस दर्द को एक मूक बधिर सिर्फ महसूस कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनवी न्यूज। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। कक्षा एक से लेकर बाकी की कक्षाओं में हमें बार बार यही पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है। यहां पर मां का जिक्र हुआ तो एक कहावत याद आती है, जब बच्चा बिगड़ैल हो जाता है और उसकी शरारतों से मां परेशान हो जाती है तो मां कहती है कि तुमने मुझे खून के आंसू रुला दिए। वर्तमान की योगी सरकार भी कुछ इसी तरह बिगड़ैल बच्चे की तरह कार्य कर रही है, जिसको उसने अपने राजनीतिक मुद्दे में शामिल किया वो मां उसी तरह दर्द से कराह रही है। यहां पर यूपी सरकार का जिक्र आता है तो एक खबर याद आती है, जिस खबर ने यूपी सरकार के गठन के समय उसे सुर्खियों में ला दिया। वो खबर थी बूचड़ खानों का बंद होना। इस फैसले के बाद गायें किसानों के घर से निकलकर कब राजनीति का शिकार हो गईं कुछ पता ही नहीं चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े मंत्रियों के बड़े बड़े बयान गौरक्षा और गौशालाओं पर डेली आप सुनते होंगे। उन सभी के बयान भी आप सुनते होंगे जो अपने आप को कथित तौर पर समाज का ठेकेदार मानते हैं, लेकिन गायों और गौशालाओं की जमीनी हकीकत की जब यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। आइए दिखाते हैं आपको एनवी न्यूज के संवाददाता श्रवण शर्मा की यह स्पेशल रिपोर्ट, जो राजनीति के असली चेहरे और गौशालाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़, मैं हूं श्रवण शर्मा। आज हम मौजूद हैं बाराबंकी के खजूर गांव में, जहां पर हम गौशाला के अंदर हैं। गौशाला जिसको लेकर तमाम राजनीति होती है और तमाम मंचों से बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन इस गौशाला के अंदर इतनी सारी लापरवाही है। आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था है, इतने सारे जानवर और खाने का जो प्रबंध है, चारे का जो प्रबंध है, वह कितने कम स्थान में, कितनी कम जगह में सभी जानवरों को कराया जा रहा है। फिलहाल जो सबसे अलग बात है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह यह है कि यहाँ पर जो है इस गौशाला में 216 के करीब जो है जानवर हैं, जहाँ पर एक गाय है जो बुरी तरह से जो है घायल है। और ये बताइए, घायल कैसी हुई? इसको काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है। साढ़ ने पलट दिया इसको। अच्छा, साढ़ ने इसको मार दिया। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? हम चारा भूसा दी थे हर दिन। तो हर दिन लगभग कुछ ना कुछ हो जाता होगा, रोज दो चार गाय घायल होती होंगी। हाँ, रोज घायल होते, सड़ो तो पलट देते, साढ़ पलट देते। अच्छा, हम कहेंगे थोड़ा सा क्लोज लेके दिखाइए कितनी तकलीफ़ है और ये गाय कितनी बुरी अवस्था में जो है, कितनी तकलीफ़ में है। और गाय पर जिस तरह से बीजेपी तमाम राजनीति की सीमाओं को क्रॉस कर जाती है, वहीं जब एक्चुअल में जब हकीकत की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं से सरकारें फेल हो जाती हैं। आपको बता दें, गौशाला का तो प्रबंध कर दिया गया, लेकिन असल राजनीति जिस पर बीजेपी की चल रही है, गाय व हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में गायों का बहुत विशेष योगदान, विशेष महत्व रहा है। और जिस तरह से यह गाय अधमरी पड़ी हुई है, जिसकी सांसें अटकी हुई हैं, इसको चोटें काफ़ी आई हुई हैं और आंखों के पास जो है ब्लड लगा हुआ है। कहेंगे थोड़ा सा क्लोज और लीजिए और थोड़ा नज़दीक आके दिखाइए।
अब देख लीजिए आपकी तिलस कर रह जा रही है, तड़प कर रह जा रही है गाय, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सेक्रेटरी है, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उनको भनक तक नहीं लग रही है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनके यहाँ गायों की, जानवरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे भूसे के बचारे के जो है जो क्वांटिटी है वो भारी मात्रा में आएंगे, वह उनकी जेबें गर्म होंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गाय पूरी तरह से घायल पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और इसकी तकलीफ को कोई भापने वाला नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जिसको अगर आपने गंभीरता से नहीं लिया और वर्तमान परिस्थिति को, इस गाय को देखकर अगर आपने गायों पर हो रही राजनीति को ना समझा, तो हकीकत बताएं आपको, कहीं ना कहीं से आप इस देश को अमन व शांति से दूभर कर देंगे। और गायों पर हो रही राजनीति चर्चा का विषय तो है, लेकिन वह सिर्फ वोट बैंक का एक मुद्दा है, वोट बैंक का एक जरिया है। अब देखिए, अगर वाकई में योगी सरकार या प्रशासनिक जो हमारे आलाधिकारी हैं, जो चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, जो गायों को गौ माता और तमाम पता नहीं क्या क्या उपाधियों से नवाज देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है गौशाला बनवा देने के बाद, यहाँ पर गाय व सांड एक साथ रह रहे हैं, जहाँ पर कमज़ोर जानवर भी हैं, जहाँ पर स्वस्थ जानवर भी हैं, ऐसे में कोई प्रबंध नहीं किया गया। वही मजबूत जो जानवर हैं वह अपने से कमज़ोर जानवरों को हानि पहुँचा रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। और जो व्यवस्था खाने की है, आप देख रहे हैं चारे में भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इतने सारे जानवर इधर खड़े हैं, जब आगे वाले हटेंगे तब पीछे वाले आगे जाएंगे खाने के लिए, तो बहुत बड़ी संख्या है। और खाने की जो प्रबंध है वो बहुत कम है, बहुत छोटी जगह में खाने का प्रबंध किया गया है सैकड़ों जानवरों का। आप देख रहे हैं यह गाय भी बहुत तकलीफ में है, और ये बताइए इसको कैसे चोट लगी, ये भी घायल अवस्था में लेटी हुई है। हाँ, सांड से घायल हो गए, ये भी सांड से घायल। हाँ, तो किस तरह से क्या प्रबंध किया गया है, कि मतलब हर दिन कितनी गाय? अब सांड गाय कम है तो। अच्छा, हर दिन कितनी गाय घायल हो जाती होंगी, ये जानवर जो चाहे सांड हो चाहे गाय? अब दो बार यही घायल हुई है, दो छोरी तो आज हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है? आगे भवा दो एक दाएँ भवा है। अच्छा, दो एक दाएँ भवा, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में करीब 215 जानवर हैं, तो क्या आज ही हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ? पहले हो तो रहा, अक्सर होता रहता है ना ये चीज़। नहीं, जो मजबूत जानवर हैं, जो मजबूत जानवर ऊपर तड़का रहा तो बूढ़ी ऊपर तड़का लग समय पहले, तो कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर घायल होते रहते हैं, और हर दिन दो उदाहरण आज की डेट में हमने आपको दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर जो शायद हमें अभी नज़र ना आ रही हो, या जो अभी मौके वारदात पर हमें ना मिल रही हो, जो दिखाई ना दे रही हो, लेकिन हर दिन का यही हाल है, और हर दिन गाय इसी तरह तड़प रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस गाय की आँख से जो है खून बह रहा है, और आप सोचिए कि हिंदू धर्म में गाय की जो महत्वता है वह कितनी बड़ी है, और इस पर हो रही राजनीति कितनी बड़े स्तर पर होती है, और आंखों से यह जो खून बह रहा है गाय के, उसकी आह, उसकी तकलीफ़ को अगर आप ना समझ पाएँ, और राजनीति के धुरंधर अगर इस तकलीफ को ना समझ पाएँ, ना भाप पाएँ, तो धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसी गौ सेवा पर। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं श्रवण शर्मा, बाराबंकी। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एंड व्यूज़ को।